नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। के पाठक पर 20,000 का जुर्माना लगा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उन पर 20,000 का पटना हाईकोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मामला जो है शिक्षक से जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर के पाठक पर जो है पटना हाईकोर्ट 20,000 रुपये का जुर्माना लगाई है। और आपको बता दें कि अदालती आदेश की अवमानना मामले में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड यानी कि आर्थिक दंड लगाया है। न्यायाधीश पीबी ब्रजनर्थी की एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संगीता कुमारी द्वारा दायर अवमानना वादे पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया गया है। मामला जो है वो 2020 का है और इसी मामले पे जो है सुनवाई हुई और पटना हाईकोर्ट ने के पाठक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि मामला 9/9/2020 को पारित निर्णय से संबंधित है, जिसके तहत याचिकर्ता संगीता कुमारी को शिक्षक नियोजन मामले में राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही संबंधित विभाग को 2 माह के भीतर निर्णय लेने का भी आदेश दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि संगीता कुमारी को जो है नियोजन का लाभ नहीं मिला और इसी को लेकर जो है के पाठक पर हाईकोर्ट के द्वारा जो है जुर्माना लगाया गया है। याचिकर्ता के अधिवक्ता कुंदन कुमार ने बताया कि याचिकर्ता के समरूप उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ मिला, लेकिन याचिकर्ता इससे वंचित रहे। कोर्ट ने अभ्यावेदन देने के 2 माह के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया गया। इसी पर याचिकर्ता ने शिक्षा विभाग के उदासीन रवैया से विवश होकर हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना वाद दायर किया था। कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ ही अवमानना वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। इस मामले में याचिकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार ने और अपर मुख्य सचिव की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित और राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील विकास कुमार ने कोर्ट के समक्ष अपने पक्षों को रखा गया है। और इसी मामले को लेकर, मामला 2020 का है, शिक्षिका संगीता कुमारी का है, उन्हें नियोजन का लाभ नहीं मिला और इसी को लेकर वो विवश होकर शिक्षा विभाग की उदासीनता रवैया को देखते हुए जो है हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, जिसके बाद जो है इस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट के द्वारा जो है के पाठक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, आर्थिक दंड लगाया गया है, यानी कि कोर्ट के आदेशों को नहीं मानने के मामले में जो है के पाठक को ये आर्थिक दंड दिया गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।